मेरा नाम कुशल कुमार, ये किया सेल्टोस का XTX वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार। सबसे टॉप सेलिंग वेरिएंट जो है इस कार का वो ये वाला है, क्योंकि आपको इस कार में 15,90,000 रुपीस के एक शोरूम प्राइस पर आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे सनरूफ हो गई, एलॉय व्हील्स हो गए, LED आरएस हो गई, फिर आपको फीचर्स में कोई भी कमी नहीं लगेगी इस कार में। मैंने आपको इस कार का लोअर वेरिएंट दिखाया है जो कि STK+ वेरिएंट था। इन दोनों वेरिएंट में 1,80,000 रुपीस का प्राइस डिफरेंस है। फिर फीचर्स में क्या डिफरेंस रहेगा वो भी इस वीडियो में हम देख लेंगे। कोई कोई ऐसे वेरिएंट देख रहे हैं जो वैल्यू फॉर मनी हो और फीचर्स भी आपको बेस्ट मिल जाए, तो आपको वो सब कुछ STX वेरिएंट में मिल जाएगा। क्या सेल्टोस अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा सेल होने वाली कार है, रीजन है इसका इतना अच्छा लुक, इंटीरियर प्रीमियम दिया गया है और फीचर्स भी बेस्ट मिल जाते हैं आपको इस कार में। और LED DRS और इंडिकेटर्स ऑन होने के बाद तो देखने में काफी बढ़िया लगती है कार, जैसे आप देख सकते हैं। इस टाइम मैं खड़ा हूँ ABS किया शोरूम पर रुड़की उत्तराखंड में। इन्हें कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इनका शोरूम हरिद्वार में भी है। दोनों शोरूम के कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपकी स्क्रीन पर भी शोर ही होगी। किया कि आप कोई सी भी कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी फ्रेंड प्रोफाइल इस कार की, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे और इंडिकेटर दिए जाएंगे आपको यहाँ पर, जैसे आप देखते हो उस तरह के लगते हैं उन्होंने के बाद। और एक हेडलाइट से लेकर दूसरी हेडलाइट तक मिल जाएगी आपको क्रोम। और ये रही ग्रिल इस कार की, यहाँ पर हो गया किया का लोगो और यहाँ पर ग्रिल में दिया जाएगा आपको पियानो ब्लैक फिनिश। फोग लैंप्स हो गए यहाँ पर, प्रोजेक्टर रहने वाले हैं। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगती है फ्रंट प्रोफाइल इस कार की। नीचे साइड होगी सिल्वर स्किड प्लेट और ये रही साइड प्रोफाइल इस कार की। डायमेंशन वाइज अगर आप देखते हो काफी बढ़िया इस कार की डायमेंशन रहने वाली है। इस कार की जो भी डायमेंशन सब आपकी स्क्रीन पर शोर ही होंगी। 17 इंच की आपको इसमें एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, 215/60 और 17 की प्रोफाइल रहने वाली। इन सुपर की साइड मिल जाएगी आपको क्लैडिंग जो कार की पूरी बॉडी तक रहेगी। IVD की बैजिंग मिल जाएगी आपको उसके फेंडर पे। और फिर ये रहा इस कार का ORVM जो कि आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दिया जाएगा, बॉडी कलर में रहेगा। वो इंडिकेटर भी ORVM पर दिया गया है। जो मेन हाइलाइटेड फीचर है इस कार का सनरूफ, आपको इतने साइज की यहाँ पर सनरूफ मिल जाएगी। जब मैं इंटर में चलूंगा तो आपको दिखा दूंगा किस तरह का व्यू आता है। वो ये रही बैक प्रोफाइल इस कार की। ऊपर की साइड हो गया शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफोगर हो गया, बाइफर डिफोगर, बहुत सारे जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ये रही इसकी टेल लाइट, LED टेल लाइट दी जाएगी आपको। इंडिकेटर बैक लाइट में हो गया बल्ब, क्रोम लाइन हो गया यहाँ पर, क्या का हो गया लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर दिया जाता है, सेल्टोस की होगी बेजिंग, रिफ्लेक्टर्स, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, पार्किंग सेंसर्स हो गए यहाँ पर, चार पार्किंग सेंसर्स में रहने वाले हैं। अब चलिए फिर मैं आपको उस कार का बूट दिखा दूँ, फिर कितना स्पेस मिल जाएगा आपको उस कार के बूट में। यहाँ पांच सीटर होगी, यहाँ पर 433 लीटर का हो गया इस कार में बूट स्पेस। लगेज लैंप और ये कार का स्पेयर व्हील, टूल किट भी दी जाएगी आपको यहाँ पर। तो ऐसे में देखो सरकार इस कार का एक्स्ट्रा लुक, जो फीचर्स आपको एक्स्ट्रा से मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। जैसे आपने देखा आपको उसमें LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, LED प्रोजेक्टर फोग लैंप्स, 17 इंच के एलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। अगर आप इसका STK+ वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं और LED टेल लाइट, कुछ ऐसे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा से मिल जाते हैं। और जो मेन फीचर्स में डिफरेंस रहने वाला है वो उस कार के इंटीरियर में है। जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपके वाले फीचर्स दिखा दूंगा। तो इस कार में आपको स्मार्ट स्ट्रीम G1.5 इंजन मिल जाएगा 1500cc का, जो कि प्रोड्यूस करता है 13 BHP की पावर, 144 Nm का टोर्क। तो चलिए मैं आपको उस कार का इंटीरियर दिखा दूं, फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको उस कार के इंटीरियर में। तो ये रहा इंटीरियर इस कार का, जैसे आप देख सकते हैं डुअल कलर में रहने वाले, जैसे आपको बता ही रहा था काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और ये रहा ड्राइवर साइड डोर, डोबना हो गया सिल्वर कलर का, पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी आपको यहाँ पर, ट्विटर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दिए जाएंगे आपको उस कार के। ORVM यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, चार पावर डोर कंट्रोल्स, बाटर वाले स्पेस, जो मैंने स्पेस। और बाहर से देखने में कुछ तरह का लगता है इंटीरियर कार का। और ये रही ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट हाइट सेगमेंट को हो गया फीचर और रिक्लाइन करने का। और ये रहा बैक डोर इस कार का, डोर ओपन हो गया सिल्वर कलर का, पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी आपको यहाँ पर, पावर विंडो हो गई। तो ऐसा उस तरह का रहने वाला इंटीरियर कार का, सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं क्या क्या ऑफर करे जाते हैं आपको उस कार के इंटीरियर में। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील दिया जाएगा आपको इस कार में, स्टीयरिंग और कंट्रोल्स हो गए, किया का लोगो, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको इस कार में दिए जाते हैं। टिल्ट एडजस्टमेंट आपको इस कार के स्टीयरिंग व्हील में दी गई है। और ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8 मीटर स्पीडोमीटर मिल जाएगा आपको उसमें एनालॉग, और भी में कितने साइज की मिल जाएगी आपको उसमें MID, जिसमें कितना चल गया कार, क्या माइलेज दे रही है, वो सब कुछ आपको उसमें दिखता रहेगा। और नीचे साइज कुछ अलर्ट लाइट्स दी गई है, यहाँ पर होगा टेम्परेचर के लिए और ये रहा फ्यूल के लिए। और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। और ये 10.25 इंच का टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड और एप्पल कार प्ले के साथ रहेगा, वायरलेस, हाइलाइट लाइट हो गया बटन, 2 AC वेंट्स हो गए, ग्रे फिनिश, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC दी जाती है इस कार में, कुछ तरह कंट्रोल्स हो गए। और ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, USB पोर्ट, चार्जिंग सॉकेट, थोड़ा स्पेस हो गया और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार।
यहाँ पर आपको उस तरह के पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, सिल्वर फिनिश हो गई, और ड्राइव मोड, ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए वैसे फीचर्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। वो यहाँ पर हो गया कप होल्डर्स, वो ये आर्मरेस्ट, कुछ स्पेस दिया जाएगा आपको यहाँ पर, हैंड ब्रेक, वो ये कार का सन वाइजर, बैंटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर दिया जाएगा, सन ग्लास होल्डर, कैबिन लैंप हो गया जो कि एलईडी में रहेंगे, सनरूफ के कंट्रोल्स हो गए, कुछ साइज की सनरूफ है इस कार में। चल देखते हैं, जब रियर सीट पर चलूंगा तो आपको दिखा दूंगा किस तरह का व्यू आता है वहां पर। और ये रहा इसका ऑटो डिमिंग IRBM, SOS का हो गया वहाँ बटन, किया कनेक्ट का, को ड्राइवर साइड सनवाइजर, बैंटी मिरर हो गया, ग्रैब हैंडल, और ये रहा को ड्राइवर साइड डोर, डोपन हो गया सिल्वर कलर का, पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी, लेदर फिनिश हो गई, बाटोल स्पेस, स्पेस स्पीकर, और ये रहा इस कार का ग्लोव बॉक्स, कितने साइज का दिया जाता है, यहाँ पर आपको लेदर फिनिश दी जाती है। और ये रही इस कार की फ्रंट सीट, जिसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, लेदर सीट्स रहेंगी जिन पर उस तरह का डिजाइन बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं काफी बढ़िया सीट्स रहने वाली हैं। तो और कुछ तरह का फ्रंट सीट और बैक का जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। अब चलिए फिर लेके चलते हैं इस कार की रेयर सीट, और बाबरा को इतना स्पेस मिल जाएगा, ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम वहाँ पर। मेरी हाइट 6 फीट है, क्योंकि इतना लेग रूम मिल जाएगा आपको उस कार में। लेग रूम और हेड रूम में बिल्कुल भी कमी नहीं रहने वाली, काफी स्पेसियस कैबिन है इस कार का, और रियर सीट पर बैठे उस तरह का लगेगा डैशबोर्ड, उस तरह का व्यू आएगा सनरूफ का, जिससे मैंने आपको दिखाई दिया। फ्रंट में आपको दो कैबिन लैंप मिल जाते हैं, और आपको यहाँ पर भी कैबिन लैंप मिल जाएंगे, तो ब्राइटनेस काफी रहने वाली है इंटीरियर में इस कार के। और ग्रैफेंडर फ्रंट में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बैक में भी आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाएंगे। और ये आर्मरेस्ट, रेरिस इवेंट्स हो गए, चार्जिंग सॉकेट, थोड़ा स्पेस हो गया, और ये बैक डोर इस कार का, जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको सनसेट लगा के दिखा देता हूँ फिर किस तरह का लगता है कैबिन। जैसे आप देख सकते हैं काफी बढ़िया लगता है सनसेट लगने के बाद रियर सीट पे जब आप बैठेंगे तो। और उस तरह का 10 कार का इंटीरियर, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाते हैं आपको सभी दिखा दिए। जैसे मैंने उस तरह का 10 कार का बुक रहा हूँ, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर से मिल जाते हैं वो आपको सभी दिखा दिए। जैसे मैंने आपको बताया जाता है 15,90,000 रुपीज के एक शोरूम प्राइस पर आपके वाली कार मिल जाएगी। अगर आप इस कार को कंपेयर करते हैं इसके लोअर वेरियंट यानी कि STK+ वेरियंट से, तो फिर ये वाला जो वेरियंट है वो 1,80,000 रुपीज एक्सपेंसिव है उस वाले वेरियंट से। और फिर इतने प्राइस में आपको लार्ज स्क्रीन मिल जाएगी जो कि 10.25 टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम रहने वाला है, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ रहेगा, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील हो गया, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC, एयर प्यूरिफायर विद परफ्यूम, एम्बियंट लाइट, सनरूफ, ब्लैक वी डुअल टोन इंटीरियर, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, लेदर सीट्स, लेदर एड स्टीयरिंग व्हील, कुछ ऐसे फीचर्स आपको इंटीरियर में दिए जाएंगे जो कि आपको STK+ वेरिएंट में नहीं दिए जाते हैं। और एसटी के फीचर्स तो मैंने आपको बताए दिए थे, जैसे आपको LED टेल लाइट मिल जाएगी, 17 इंच के अलॉय व्हील्स हो गए, कुछ ऐसे फीचर्स आपको इस कार में मिल जाते हैं। प्राइस देखते हैं इस कार का, जो 1,80,000 रुपीज एक्सपेंसिव वाला वेरियंट, तो आपको इसने प्राइस में काफी बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप कोई ऐसी कार देख रहे हैं जिसमें आपको सभी फीचर्स मिल जाएं, फिर आपको कोई भी फीचर्स में कमी ना लगे, जैसे सनरूफ हो गई, आपको STK+ वेरिएंट में सनरूफ नहीं मिलती है, अगर आप STK+ वेरिएंट IMT में लेंगे तो फिर आपको उसमें सनरूफ मिल जाएगी। तो चलिए फिर आपको इस कार के और वेरिएंट की वीडियो देखनी है, किसी और कार का बुक राउंड देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।